तो ये है भारत का 200 अरब करोड़ जो विदेश में जाके खर्चा करवा दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वो 200 अरब करोड़ रुपया अगर हिंदुस्तान का गरीब जनता को बांट देता तो उसका परिवार सुखी संपन्न हो जाता, देश का पैसा देश का जनता के लिए लगता। उन्होंने अपना ऐश मौज करने के लिए विदेश का दौरा किया, और जो आदमी अपना बीवी को नहीं पाल सकती है वो भारत का जनता को क्या पालेगा। ऐसे प्रधानमंत्री पर हम लोग धुतकार करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं। आने वाला 24 का इलेक्शन में उनको औकात बता देंगे कि तुम्हारा औकात क्या है नरेंद्र मोदी। आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम चलाए, इससे पूरे विश्व में उनका परचम लहर रहा है। राहुल गांधी प्यार का संदेश बांट रहे हैं और नरेंद्र मोदी नफरत का आग जला रहे हैं। ये दोनों में अंतर यही है। आज पूरे देश राहुल गांधी को देख रहा है, उसका एक कड़ी है कर्नाटक का विधानसभा इलेक्शन। इससे साफ जाहिर हो गया कि हिंदुस्तान का जनता अब राहुल गांधी को पीएम के कुर्सी में देखना चाहता है। उसके लिए जनता जाग चुका है और जनता को रोकने वाला कोई नहीं है। भारत में जनता, युवा, किसान, गरीब, मजदूर जब जाग जाएगा तो प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। भारत के तमाम लोग राहुल जी के और आशा भरी नजर से देख रहे हैं। क्यों आशा भरी नजर से देख रहे हैं? जो यदि विकास यदि हो सकता है तो राहुल जी ही कर सकते हैं, सिर्फ राहुल जी कर सकते हैं, और ऐसी कोई नेता नहीं कर सकते। ये हाँ विकास किए हैं, कितनी महंगाई ला दी है, बेरोजगारी ला दी है, महिलाओं के साथ कैसी हो रही है अत्याचार, किसानों के साथ कैसा हो रहा है, स्टूडेंट के साथ कैसा हो रहा है, तमाम लोगों के साथ कहते त्राहिमाम है। आज महिलाओं से पूछिए, किचन में जाती है रोती है, है बेरोजगारों से पूछिए घर में, उसके बाप का उसके कहते माँ से या उसके घर के सदस्य जो इस घर में कहते 3-4 बेरोजगार है और कहते हैं तरस रहा खाने के लिए, मतलब ये है कहीं नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए मोदी जी को जितना भी ड्रामा कर लें कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी ड्रामेबाज हैं? एकदम ड्रामेबाज हैं। अच्छा, क्या ड्रामा किया उन्होंने? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब एक चीज बताइए, ड्रामा की बात करते हैं, जो देश की रुपया जितनी विदेशों में घूम घूम के उन्होंने खर्च किया, एक आम व्यक्ति जाते हैं विदेश घूमने के लिए, जाते हैं दौरा करते हैं तो कितनी खर्च होते हैं, वो एक प्रधानमंत्री जा रहे हैं 2 करोड़ रुपया लगा होगा आज के दिन। अब इतनी विदेश घूमे उन्होंने, विदेशों से क्या ला दिए इंडिया के अंदर, नाम हुआ पूरा देश भर में हिंदुस्तान का। क्यों, उससे पहले हिंदुस्तान का नाम नहीं था क्या? नहीं, उससे पहले हिंदुस्तान को नाम जानता नहीं था क्या? तो मतलब आप क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हैं? अच्छा, उनमें को कहने को शक नहीं है लोकसभा से? तो ये चचा, आप भी राहुल जी के साथ भारत जोड़ो में थे, तो आप भी राहुल जी आए तो क्या कुछ लग रहा है कि 2024 में क्या कुछ बदल रहा है? आज के समय में राहुल जी पूरी दुनिया के महानायक के रूप में उभरे हैं और पूरी दुनिया उनको जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जोड़ने में कामयाब नेता एक लीडर के रूप में देख रहा है। भारत के तमाम लोग राहुल जी के और आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। क्यों आशा भरी नज़र से देख रहे हैं? जो यदि विकास यदि हो सकता है तो राहुल जी ही कर सकते हैं, मतलब सिर्फ राहुल जी कर सकते हैं, और ऐसी कोई नेता नहीं कर सकते। ये हाँ विकास किए हैं, कितनी महंगाई ला दी है, बेरोजगारी ला दी है, महिलाओं के साथ कैसी हो रही है अत्याचार, किसानों के साथ कैसा हो रहा है, स्टूडेंट के साथ कैसा हो रहा है, तमाम लोगों के साथ कहते त्राहिमाम है। आज महिलाओं से पूछिए, किचन में जाती है रोती है, है बेरोजगारों से पूछिए घर में, उसके बाप का उसके कहते माँ से या उसके घर के सदस्य जो इस घर में कहते 3-4 बेरोजगार है और कहते हैं तरस रहा खाने के लिए, मतलब ये है कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों को देखिए, किसी तरह से मुआवजा ना कुछ सुविधा और ना ही उसको उचित मूल्य मिल रही है। छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले, मतलब कल कारखाना वाले, लेके नहीं रहिएगा तो मोदी जी कहाँ से नौकरी देंगे? पहले भी था, आज से आज तक बेरोजगारी का
जो आंकड़ा है सबसे ज्यादा ये 70 साल में आज सबसे है। अर्थव्यवस्था भी सबसे ज्यादा इस देश में आज ही गिर गई है, महंगाई भी सबसे ज्यादा 70 साल में आज ही है, और भ्रष्टाचार भी इस देश में सबसे ज्यादा आज ही है। मोदी जी जैसे झूठा व्यक्ति इस हिंदुस्तान और विश्व में नहीं है, झूठ भी उनके सामने शर्मिंदा हो जा रहा है। लोग ऐसे थू थू कर रहा है ऐसे प्रधानमंत्री, जो उम्मीद किया था 15 लाख की, उम्मीद किया था 2 करोड़ युवाओं की मतलब नौकरी की, उम्मीद किया था किसान ने कहते हैं मेरी जो कहते हैं मूल्य में बढ़ोतरी होगा और कहते हैं किसानों की भलाई होगा, कुछ नहीं हो। देखिए धरातल पर कहते हैं झूठ ही झूठ है, लूट की तंत्र है। देश में जो कांग्रेस ने बनाया था सुई से जहाज तक, उसे सब बेच रहा। ठीक है, क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ थे और आज बिहार में है, तो क्या बिहार की धरती इस मर्तबा 2024 के लिए कोई सौगात दे रही है? देखिए बताते हैं आपको, अमरजीत मिश्रा जी हैं, राहुल जी के साथ हुए कदम से कदम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले हैं। आप लोग भी चले थे, इन्होंने झारखंड से चल के आए हैं, वहाँ यात्री हैं ये। अच्छा। और इन्होंने आपकी अपनी जो जिनकी इतनी उम्र है उनकी उम्र की जो व्याख्या उन्होंने किया उस सत्य एकदम सही है। आज की जो सरकार है, सरकार क्या कर रही है, जनता कितनी त्रस्त है, पब्लिक रोडों पे आ गया, महिला सुरक्षित है असुरक्षित है वो सब देख रहा है। इसलिए मोदी जी को जितना भी ड्रामा कर लें कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी ड्रामेबाज हैं? एकदम ड्रामेबाज हैं। क्या ड्रामा किया उन्होंने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब एक चीज बताइए, ड्रामा की बात करते हैं, जो देश की रुपया जितनी विदेशों में घूम घूम के उन्होंने खर्च किया, एक आम व्यक्ति जाते हैं विदेश घूमने के लिए, जाते हैं दौरा करते हैं तो कितनी खर्च होते हैं, वो एक प्रधानमंत्री जा रहे हैं 2 करोड़ रुपया लगा होगा आज के दिन। अब इतनी विदेश घूमे उन्होंने, विदेशों से क्या ला दिए इंडिया के अंदर, नाम हुआ पूरा देश भर में हिंदुस्तान का। क्यों, उससे पहले हिंदुस्तान का नाम नहीं था क्या? नहीं, उससे पहले हिंदुस्तान कोई नाम जानता नहीं था क्या? तो ये मतलब आप क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हैं? अच्छा। उनमें को कहने को शक नहीं है, लोकसभा से तो बाहर हो गए राहुल जी। उससे क्या हुआ, जनता चुन के बैठा गया उनको, जनता ने चुना था, इन 3 साल में उनको हटा दिया गया, फिर जनता फिर चुन के बैठाएंगे उनको। क्या लग रहा है अभी जैसे बिहार में है, तो आप कहाँ से आए हैं? हम कटिहार जिला से बिलोंग करते हैं, माननीय सांसद तारिक अनवर का क्षेत्र है। अच्छा। और वो राष्ट्रीय नेता हैं। राहुल जी के बारे में बताइए ना, तारिक जी के बारे में तो बताइए। तारिक साहब राहुल गांधी के अभिभावक जैसा है, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी का हाथ को मजबूत करने के लिए तारिक अनवर ने जो बीड़ा उठाया है वो देश का जनता देख रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम चलाए, इससे पूरे विश्व में उनका परचम लहर रहा है। राहुल गांधी प्यार का संदेश बांट रहे हैं और नरेंद्र मोदी नफरत का आग जला रहे हैं। ये दोनों में अंतर यही है, आज पूरे देश राहुल गांधी को देख रहा है। उसका एक कड़ी है, कर्नाटक का विधानसभा इलेक्शन, इससे साफ जाहिर हो गया कि हिंदुस्तान का जनता अब राहुल गांधी को पीएम के कुर्सी में देखना चाहता है। उसके लिए जनता जाग चुका है, और जनता को रोकने वाला कोई नहीं है। भारत में जनता, युवा, किसान, गरीब, मजदूर जब जाग जाएगा तो प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। जिंदाबाद, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। कितनी उम्र है आपकी? हमको 82 साल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल जी और शालिग्राम शर्मा अगर जो है कांग्रेस का पतन देख करके मैं कांग्रेस में आया? अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल जी को क्यों, मोदी जी जो नाम भी, मेरा नाम शालिग्राम शर्मा है। अच्छा जी, शालिग्राम शर्मा जी, तो क्या आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी जो है लगातार जो है विदेश घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री भी विदेश घूम रहे हैं, तो मोदी जी के विदेशी दौरा पर आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, भारत का 200 अरब करोड़ जो विदेश में जाके खर्चा करवा दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया।
वो 200 अरब करोड़ रुपया अगर हिंदुस्तान का गरीब जनता को बांट देता तो उसका परिवार सुखी संपन्न हो जाता, देश का पैसा देश का जनता के लिए लगता। उन्होंने अपना ऐश मौज करने के लिए विदेश का दौरा किया, और जो आदमी अपना बीवी को नहीं पाल सकती है वो भारत का जनता को क्या पालेगा। ऐसे प्रधानमंत्री पर हम लोग धुतकार करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं। आने वाला 24 का इलेक्शन में उनको औकात बता देंगे कि तुम्हारा औकात क्या है नरेंद्र मोदी। अच्छा, तुम बात बताइए, आप लोग बीवी और क्या चले जाते हो देश के लिए, बीवी को छोड़े? जो बीवी को संभाल नहीं पाती है वो देश को क्या संभालेगा। जो जो अर्धांगिनी को नहीं संभाल पाती है पता है वो आदमी देश को क्या संभालेगा। ये तो जनता को धोखा देके कुर्सी में बैठ गया है। आज तक 70 साल में 14 प्रधानमंत्री ने जितना कर्ज नहीं लिया, ये नरेंद्र मोदी नटवर लाल जी जो देश का ये गुंडा है, अपराधी है नरेंद्र मोदी। ये जो है कुर्सी में बैठ के अपना ऐश मौज कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को जेल के सलाखों में रहना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री बन के रहने का इनको कोई हक नहीं है। इतना जोर से बोल रहे हैं, अभी पुलिस आ जाएगी, सीबीआई भी आ गया, उससे कोई डर नहीं है। भारत जोड़ो आंदोलन देश को बता दिया कि राहुल गांधी प्यार का संदेश बांट रहा है और नरेंद्र मोदी नफरत का संदेश बांट रहा है। मोदी जी बाहर जाके देश का बदनाम कर रहे हैं तो वो दिक्कत है? देश का कोई नाम नहीं कर रहा है, उसका जो चमचा लोग है वही लोग नाम कर रहा है, बाकी आम लोग नाम नहीं कर रहा है। आपकी शादी हो गई है? मेरा शादी भी हो गई है। मेरा नाम जहरुल इस्लाम है। इतना बाल बच्चा? बाल बच्चा मेरा दो है, दो बेटा है। आप यूसीसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो आपका कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा ना? अरे क्यों नहीं जाएगा, अगर उसके अंदर क्षमता होगा तो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम हुआ जहरुल इस्लाम, हम कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस के ओबीसी पोस्ट बिहार पटना के। तो लगा द इंडियन खबर, सच आपके सामने।